आज हम यहाँ पे सीओबी बोलता है, कंपनी ऑपरेटिंग बेस, यहाँ पे बीएसएफ का नफरी है। और यहाँ पे जो मेन मकसद था स्कूल के बच्चों को बुलाने का और कल्चरल प्रोग्राम रखने का, ताकि बीएसएफ गांव वालों से रूट लेवल पे जुड़ जाए, और जो सिविल नफरी यहाँ पे आया हुआ है, बच्चे आए हुए, वो बीएसएफ कैंप को देखें कि बीएसएफ क्या कर रहा है। पहले इतनी भारी तादाद में स्कूल का बच्चा लोग नहीं आता था, गांव के लोग भी नहीं आते थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि यहाँ से यहाँ काफ़ी लोग आए आज। इसका मतलब यहाँ से माओवादी ख़त्म हो चुका तकरीबन, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी पहले आने से। क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा, बिना डर के, बिना किसी उसके, सभी यहाँ पे आए हुए, और सभी ने यहाँ पे जो प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ का जो जनजाति का प्रोग्राम था, उसको एंजॉय किया, और हमें बड़ी खुशी है। सर, क्या बताएंगे माओवादी को, क्या आह्वान देंगे? क्या माओवादी से मेरा यही निवेदन ही करूँगा मैं उनको, कि जो सही रास्ता पकड़ लें, इसी में भलाई है माओवादी का। जो आम नागरिक जिंदगी जीता है उस पर आ जाए। उड़ीसा गवर्नमेंट का सरेंडर पॉलिसी बड़ा अच्छा है, सरेंडर कर लें अपने आप को, ताकि इस उड़ीसा राज्य में और भी प्रोग्रेस हो।